और अभी अहम खबर आ रही है, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। उस्मान, आज तो इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होना थी। जी बिल्कुल, तरीके से बात पेश होना थी जिसके ऊपर वोटिंग कराई जानी थी, और इसी से बचने के लिए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफा दे दिया है। सेक्रेटरी कौमी असेंबली को ये बताया जा रहा है कि इस्तीफा जो है उनका मौसूल हो गया है। तरीके अदम एतमाद बुनियादी तौर पर जो है वो कौमी असेंबली सेक्रेटरीट की जानिब से ये कहा गया था कि अब आप सेशन चेयर नहीं कर सकते हैं, उसे मुअत्तल बना दिया गया था। और अयाज सादिक को कहा गया था कि आज का सेशन वो चेयर करेंगे, क्योंकि रास्ता कोई नहीं बचा था कासिम सूरी के पास कि वो इस्तीफा देते हैं। और इसके लिए अब ये पता लगा कि उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, और जो तरीके अदम एतमाद का मामला था उससे जान छुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान। पीटीआई रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है बैरूनी मुदाखलत के सरसद के, अरबों रुपया इनके ऊपर इन्वेस्ट हुआ है,